तो आखिर तुम्हारी मासूमाना एक्टिंग खत्म हुई। वो दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आके गड़ाए संजीदगी से गोया हुआ। तो जोया को अपना दिल जलकर खाक होता महसूस हुआ। मुझे इल्म नहीं था मलिक कॉरपोरेशन के मालिक का IQ लेवल इतना डम होगा। वो उसकी गिरे आंखों में झांकते बिलखौफ बोली तो मुकाबिल को अपने कानों पर यकीन ना आया। वो लड़की ना सिर्फ उसकी बेइज्जती कर रही थी बल्कि उसके IQ लेवल पर भी सवाल उठा रही थी। क्या कहा जोया अक्सम चौधरी, अभी तुमने माना, वो नरमी से पूछ रहा था मगर उसकी आंखें वो तो रूह तक झंझोड़ रही थी। यही कि मलिक कॉरपोरेशन के मालिक का IQ लेवल बिल्कुल जीरो है। जैसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ और जब कोई मदद मांगने आता है तो वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो सुरमई नैनों वाली एक एक लफ्ज़ खासा जताते हुए बोल रही थी। तुम उससे मदद मांग रही थी या इसे अपना शौहर थाली में रख कर पेश कर रही थी? वो जज्बस होकर इस्तफसार कर रहा था। जैसे तुम मेरे जोया तंस का तीर मारे बगैर रह ना सकी थी तो अब आगे का क्या प्लान है? शौहर तो पेश कर ही आई है मैं जोया, उसे अपना वो दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर भरम से उसकी जानब देख मीठे मगर तंजिया लहजे में पूछ रहा था। जोया समझ नहीं सकी थी आखिर वो चाहता क्या है उससे। अपना प्लान तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मुकाबले उदासी से हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अपनी नहीं कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब रास्तारे मोहब्बत की किस्त नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आइए बगैर ताखिर के, जब तक वो समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, इससे पहले उसकी कमर दीवार से लग चुकी थी। उसने चौंक कर सामने देखा तो खून खुआर गिरे आंखें अब उसकी मुंतजर थी। वो बिल्कुल लग कर खड़ा हुआ था। जोया को अपनी जान निकलती मालूम हुई मगर वो लम्हा ऐसा लगा जैसे पहले भी बहुत बार जिया हो। वो तो चला गया था ना, फिर वापस कैसे आ गया? तुम यहाँ मेरे पीछे तहरीन से मिलने क्यों आई हो? उसकी पुरतेश निगाहें जोया को खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी महबूबा को कोई नुकसान पहुँचा दूंगी। माना वो खौफजदा हुई थी मगर फिर अपने खौफ पर काबू पाकर वो बेख्तियार हंसते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। वो उसके यूँ हंसने पर उसे बगौर देखने लगा था। तो आखिर तुम्हारी मासूमाना एक्टिंग ख़त्म हुई? वो दांत पीसते हुए उसकी आंखों में आके गड़ाए संजीदगी से गोया हुआ। तो जोया को अपना दिल जलकर खाक होता महसूस हुआ। वो कितनी कोशिश कर ले खुद को मासूम दिखाने की, कितना ही लोगों को बता दे कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी लोग उसे बुरा भला कहने से बाज नहीं आ रहे थे, ना ही कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो रहा था। ऐसे में वो थक गई थी बेचारी। जब कुछ भी कर लो आखिर में बुराई का सहरा उसी के सर आना है तो फिर बुरे ही सही, क्यों सामने वाले को दिखाए कि वो टूट रही है, अंदर से बिखर रही है, उसका रोने का दिल चाह रहा है। लोगों का रवैया, खासतौर पर उसके सामने खड़े हरजाई का रवैया, उसकी रूह तक को तकलीफ दे रहा था। फिर भी सख्त मीर बने मुस्कुरा रही थी। मुझे इल्म नहीं था मलिक का कॉरपोरेशन के मालिक का IQ लेवल इतना डम होगा। वो उसकी गिरे आंखों में झांकते बिला खौफ बोली तो मुकाबिल को अपने कानों पर यकीन ना आया। वो लड़की ना सिर्फ उसकी बेइज्जती कर रही थी बल्कि उसके IQ लेवल पर भी सवाल उठा रही थी। क्या कहा जोया अक्सम चौधरी, अभी तुमने माना, वो नरमी से पूछ रहा था मगर उसकी आंखें वो तो रूह तक झंझोड़ रही थी। यही कि मलिक कॉरपोरेशन के मालिक का IQ लेवल बिल्कुल जीरो है। जिसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ और जब कोई मदद मांगने आता है तो वो सामने वाले को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो सुरमई नैनों वाली एक लफ्ज़ खासा जताते हुए बोल रही थी। तुम उससे मदद मांग रही थी या उसे अपना शौहर थाली में रख कर पेश कर रही थी? वो जज्बस होकर इस्तफसार कर रहा था। जैसे तुम मेरे हो, जोया तंस का तीर मारे बगैर रह ना सकी थी तो अब आगे का क्या प्लान है? शौहर तो पेश कर ही आई है मैं जोया से, इसे अपना वो दोनों हाथ सीने पर फोल्ड कर भरम से उसकी जानिब देख मीठे मगर तंजिया लहजे में पूछ रहा था। जोया समझ नहीं सकी थी आखिर वो चाहता क्या है उससे। अपना प्लान तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अब वो कर भी क्या सकती थी बेचारी, था ही क्या उसके पास, सारी पावर तो सामने खड़े इस पत्थर दिल शख्स के पास थी। लेकिन इसके बावजूद उसके सामने अपना झूठा भरम कायम रखते गुस्सीली निगाह उसके चेहरे पर डाल नहायत अकड़ो भरम से धमकी आमेज लहजे में बोली। वो तो अनजाने में बोल गई मगर वो नहीं जानती सामने खड़ा शख्स उसे देखते हुए कहीं बहुत दूर चला गया था। बहुत सी यादों के पन्ने उसके आगे बदले, वो इन आँखों को अच्छे से जानता था, वो इन लफ्ज़ों को भी पहचानता था। वो उदासी से हल्का सा मुस्कुरा दिया, वो अब भी बदली नहीं थी। जोया ने उसकी आँखों को खोया खोया महसूस किया जैसे वो इसमें किसी और को तलाश कर रहा हो। वो सामने होकर भी उसके सामने नहीं थी और कोई ना होकर भी उस लम्हे उसके सामने था। क्या वो उसकी आंखों की तपिश मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए पूछ उठी, तुम आइंदा कभी भी तहरीम से मिलने नहीं आओगी, समझी? उसकी धमकी आमेज लहजे में कहने के बावजूद जोया उसकी धमकी को कानों में घुमाती उसके सीने पर हाथ मारकर खुद से दूर धकेल कर फौरन ही वहाँ से भागने लगी थी। वो ऐसे भाग रही थी जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। जोया मैंने कहा तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी, वो भागते भागते एकदम रुकी थी मुकाबिल की सख्त तर्ज पर। क्यों तुम्हें डर लगता है मुझसे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी महबूबा को नुकसान पहुँचाऊँगी? वो उसकी जाने पलट कर प्लेफुल मुस्कुराहट होठों पर के किनारों पर सजाए पूछने लगी। हाँ, फकत एक लफ्जी जवाब और जोया दम बखुद रह गई। इसलिए कह रहा हूँ आइंदा यहाँ मत आना क्योंकि वो तुम ही थी जिसकी वजह से तहरीम आज पियानो बजाने से महरूम है।
वो अल्फाज थे या एटम बम। रोया अपनी जगह से हिल ना सकी। फिर उसे लगा उसके पाँव को जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया हो, जबकि वो उसके बराबर से गुजर कर चला गया था। अगला सीन, शहरयार नाश्ता लेकर वापस घर पहुंचा तो उसका उतरा हुआ मुंह देख उसकी वालदा, उसकी बहन, उसकी दादी सब उसकी जानिब लपके। वो शहजादा था, सबका लाडला। क्या हुआ, तुम तो अपने दोस्त के लिए सूप बनाकर लेकर गए थे, फिर वापस क्यों ले आए? सेमान नूर बेगम, शहरयार की वालदा, फिक्रमंदी से इस्तफसार कर रही थी। जिस तरह उसने पूरे 1 घंटे तक सूप अपनी निगरानी में किचन में खड़े होकर बनवाया था, सब समझ गए थे कि कोई ख़ास मामला है। सेमान नूर बेगम खासा सोशलाइज औरत थी, उनका ताल्लुक सियासत से भी था। उनके 2 ही बच्चे थे, बेटा शहरयार, बेटी आयजा। ब्राज़ीलिया के पावरफुल व शरीफ ख़ानदान में उनका शुमार था। पाकिस्तान से आई फैमिली थी वो, जो अब यहीं बस गए थे। वो चला गया, वो मुँह बसोर कर कहता, टेबल पर नाश्ते का सामान बेदिली से रख कर ऊपर की जानब बढ़ गया था। चला गया या चली गई, आयशा खुद को रोक नहीं सकी थी उसे जिद करने से। वो भी तो बहन की खिंचाई करने का कभी मौका हाथ से जाने नहीं दिया करता था। आयशा की बात सुन पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही वो रुका, और जब पलट कर पीछे की जानब देखा तो माँ, दादी, बहन तीनों शरारती निगाहों से उसे तकती हुई नज़र आई। चला गया, उसने जमाव देकर कहा, अगर लड़की होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरे चांद से बच जाती। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में मगरूरियत भरे लहजे में कहता वापस पलट कर ऊपर की जानब चल दिया था, जबकि वो तीनों ही दबी दबी हंसी हंस रहे थे। वो वाकई बहुत दुखी था दीदी तौर पर, क्योंकि ना तो उसका एड्रेस पता था और ना ही कोई कॉन्टेक्ट नंबर था जो उससे रब्ता कर सकता। वो कैसे ढूंढेगा इतने बड़े ब्राज़ीलिया में इस लड़की को? फिर वो शादी के लिए यहाँ आई, ये बताया था उसके भाई ने, अगर ढूंढने में देर लग गई तो, उसकी शादी हो गई तो, कितने ही खदशात थे जो दिल को घेरे हुए थे। अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं नूर, वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटते हुए गहरी आह भरे लहजे में बोला। अगला सीन, नूर को लगता था उसकी माँ का तीसरा शौहर बड़ा अमीर ज़्यादा होगा, वो कोई बंगला या मैंशन में रह रहा होगा, लेकिन वो ये देख हैरान रह गई कि मैंशन तो था लेकिन वो लोग मैंशन में नहीं रह रहे थे, वो इस बड़े महलों जैसे मैंशन के सर्वेंट क्वार्टर में रहने पर मजबूर थे। यहाँ ब्राज़ीलिया आकर उसे पता चला था कि फ़िरोज़ साहब ने जो शादी की है मलाइका बेगम से, वो ख़ानदान वालों ने कबूल नहीं किए, जिसकी वजह से वो उन्हें अभी तक मैंशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे। यही वजह थी कि वो और गाजियान सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे, और यही अब उसने भी रहना था, मगर उसे कोई गम नहीं था। वो खुश थी क्योंकि काफ़ी वक्त बाद वो अपने भाई से मिली थी। बुखार की शिद्दत के सबब उसे याद नहीं रहा था कि वो किसी शहरयार नामी लड़के से मिली है, और ना ही गाजियान ने उसे बताया। वो अभी भी बीमार थी और कमज़ोर भी। यही वजह थी कि वो घर आते ही दवाइयाँ खाकर दोबारा सो गई थी। वो बीमार ही थी, डॉक्टर्स उसे छुट्टी नहीं दे रहे थे, लेकिन मलाइका बेगम ज़बरदस्ती उसे ले आई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मजीद वहाँ रहे। और बिल बड़े अस्पताल का। अगला सीन, आज सुबह से ही मौसम काफ़ी सर्द था, फिर सुबह से बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से शाम के वक्त ठंड का एहसास हो रहा था। उसे एक बिजनेस पार्टी का इन्विटेशन कार्ड आया हुआ था, उसे पता था आरिज वहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए वो भी तैयार होकर पार्टी में चली आई थी। ब्लैक ट्राउज़र पर डार्क ब्राउन कलर की शर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, फुल हस्तीनों वाली आबशार खुली हुई जिन्हें वो उंगलियों से कभी सीधे कंधे पर डालती तो कभी उल्टे, लाइट पिंक लिपस्टिक से होंठों को जीनत दिए वो सादगी ही में भी खासा जच रही थी। वो पार्टी में दाखिल होते ही आरिस को ढूंढने लगी थी, और फिर उसे कुछ लोगों के दरमियान वो मजीहा मर्द खड़ा नजर आया। वो फौरन ही उसके पास पहुंच गई थी। हेलो, उसके मुस्कुराकर कहते ही आरिस उसकी जानब मतवजा हुआ था। आरिस ने नहीं पूछा वो यहाँ क्या कर रही है, और ना ही उसे जानने में इंटरेस्ट था। आरिस, हम बात कर सकते हैं प्लीज़? वो हसीन नौजवान देख सकता था इस लड़की का कल वाला एटीट्यूड अब बिल्कुल गायब था, वो मिन्नत पर उतरी हुई थी। बोलो, वो एक हाथ पॉकेट में डालता फुर्सत से पूछने लगा। अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही उसका सेल रिंग हुआ। वेट, उसने सेल पॉकेट में से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर तहरीन का नाम चमक रहा था, जोया ने भी देख लिया था। उसने फौरन ही अपनी मुट्ठियाँ बीची, वो कॉल रिसीव करके फौरन एक साइड में चला गया था बात करने के लिए, जबकि वो चुपचाप खड़ी उसकी पुश्त हसरत से तक रही थी। उसकी बीवी होने के बावजूद एक मिनट भी मैसर नहीं था। उसका ये सोच एक दिल जली सी मुस्कुराहट होठों पर बिखर आई। दूसरी जानब तहरीन के सेट से कॉल थी। उसका सेक्रेटरी आरिस को बता रहा था कि तहरीन को फिल्म की शूटिंग के दौरान पाँव पर बुरी तरह चोट लग गई है, उसे डॉक्टर के लेकर जाना चाहते हैं मगर मिस हयात ले जाने नहीं दे रही और खामा खां का तमाशा कर रही हैं। ओके, मैं आता हूँ, इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट की और तेज़ी से बाहर की जानब जाने लगा। जोया उसे बाहर जाता देख फौरन ही उसके पीछे लपकी थी, मगर वो आरिस तक पहुंच पाती इससे पहले ही अंजिला ने उसकी काली बिल्ली की तरह रास्ता काटा। क्यों बेशर्मों की तरह मिस्टर आरिस से चिपकी रहती हो, नज़र नहीं आता तुम्हें वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है? पहले भी तुम बेशर्मों की तरह उनकी और उनकी मोहब्बत के बीच में आ गई थी, अब तो कम अज़ कम हट जाओ। सच कहूँ तो तुम जैसी वाहियात औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो बेशर्मों की तरह एक मर्द के पीछे पड़ी रहती है जबकि वो उसे देखता तक नहीं है। अंजिला के जहरीले तन से भरे जुमले मुकाबले के तन बदलना आग लगा गए थे, मगर उसने अपने चेहरे पर जाहिर ना होने दिया।
मैं संजिला, मैं अपने शोहर के पीछे जा रही हूँ, ना कि आपकी कज़न तहरीन की तरह किसी और के मर्द के पीछे। इसलिए ये बेशर्म वाला लेक्चर जाकर अपनी कज़न को दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो किसी और के मर्द को हर वक्त बुलाती रहती है। अगर इतनी ही मर्द की ज़रूरत है ना उसे हर वक्त, तो उससे कहीं शादी कर ले, मेरे शोहर का पीछा छोड़े। जोया के तड़ाक से जवाब देते ही अंजिला के सर तपाऊँ मिर्चे लग गई थी। उसने अगले ही पल गुस्से से उससे पीछे की जानब धक्का दिया। जोया के पीछे स्विमिंग पूल था जो काफ़ी बड़ा और गहरा था। मौसम ठंडा होने के सबब पानी बर्फ़ की तरह हो रहा था, क्योंकि हमला अचानक हुआ था। इसलिए जब वो पानी में गिरी तो भौंकला गई। वो ऊपर आने की कोशिश कर रही थी मगर उसके पाँव में क्रैम्प आ गया था, जिसके सबब वो तैर नहीं पा रही थी। बचाओ बचाओ, जोया ने अपनी ताकत के मुताबिक आवाज़ लगाने की कोशिश की। वो पानी में डूब रही थी जबकि अंजिला बेहिस्सों की तरह खड़ी उसकी हालत पर खुश होती दिखाई दे रही थी। चीखने का कोई फ़ायदा नहीं है जोया बीबी, यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हम बिल्कुल साइड वाले हिस्से में और बाकी सब पार्टी हॉल में। जब तक उन्हें पता चलेगा तुम्हारा काम तो हो चुका होगा, अंजिला शैतानी मुस्कुराहट होठों पर सजाए नहायत मुस्तरद भरे लहजे में बोल रही थी। उसे ज़रा तरस नहीं आ रहा था जोया की हालत पर, जो पानी में हाथ पांव मार रही थी खुद को बचाने के लिए, बल्कि उल्टा उसने अपना मोबाइल निकाल लिया था वीडियो बनाने के लिए, ताकि इस लम्हे को खुद भी इंजॉय करे और तहरीन को भी दिखाए। वो डूबती जा रही थी, उसे अपने इर्द गिर्द सिवाय पानी के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश करती मगर पाँव में क्रैम्प आने के सबब वो ऊपर की जानी बाहर नहीं पा रही थी, जबकि उसे अंजिला के कहकों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मजम्मत भी दम तोड़ने लगी। आँखें बंद हो गई, इर्द गिर्द अंधेरा छा गया। अब उसका बदन हल्का होने लगा था, वो नीचे की जानिब जा रही थी। वहीं दूसरी जानिब आरिज अपने दोनों सेक्रेटरी के साथ जब शूटिंग के मकाम पर पहुँचा तो तहरीम उसे सीढ़ियों के सेट के पास बैठकर रोती हुई नज़र आई, जबकि हयात तमाशा करने में मगन थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरेस पर गई वो फौरन ही उसकी जानिब लपकी। आरेस मलिक पूरे ब्राज़ील का वो हसीन नौजवान था जिसे पाने की लड़की को चाहती उनमें से एक एक्ट्रेस और मॉडल हयात चौधरी भी थी। वो हयात ही थी जिसने तहरीम को सीढ़ियों पर से धक्का दिया अपनी जलन में, क्योंकि दुनिया जानती थी तहरीम आरेस की महबूबा है, और यही वजह थी कि अक्सर आरेस के दुश्मन हो या हद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले तहरीम उनका निशाना बन जाया करती। हयात अभी कुछ बोलती इससे पहले ही वो उसे मुकम्मल इग्नोर करता, तहरीम की जानिब बढ़ा और सबके सामने उसे अपनी बाहों में भरकर उठाया। मामला देखो, फकत सकलैन को इतना ऑर्डर जारी करते वो तेज़ी से तहरीम को बाहों में लिए बाहर की जानिब बढ़ गया था। खुद की बीवी मर रही है और ये तहरीम को बाहों में उठा के फिर रहे, वाह भाई वाह। उसने वक्त ज़ाया नहीं किया था कि किसने किया और क्या किया। इस काम के लिए उसके मुलाजिम मौजूद थे। वो तहरीम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो इसी लम्हे वहाँ पर एक टैक्सी भी आकर रुकी, लेकिन उसने तवज्जो ना दी। साथ साथ उसका सेल रिंग हुआ, उसने जल्दबाजी में बस सेल पर निगाह डाली। जोया की 10 से 12 मिस कॉल्स थी, कॉल्स लगी हुई थी। उसे लगा वो विस्मा के मुतालिक की बात करेगी, बगैर ज़्यादा सोचे उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और तहरीम को गाड़ी से निकालकर बाहों में लिए वो अस्पताल में दाखिल हो गया। तहरीम को प्राइवेट रूम में एडमिट कराने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने डॉक्टर्स को कहते सुना, आपने कॉल की उसके घर वालों को, बहुत बुरी कंडीशन में वो लड़की, मुझे नहीं लगता बचेगी, पानी उसके लंग्स तक में भर चुका है। दूसरा डॉक्टर, हमने कॉल्स किए मगर दूसरे जाने से डिस्कनेक्ट कर दी गई है, सेल में कोई दूसरा नंबर भी नहीं है जिसे कॉल करके मदद के लिए बुलाया जाए। वो बेचारी इन डॉक्टर्स की बात सुनते वक्त वो कहाँ जानता था जिसके मुतालिक वो बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं उसकी अपनी बीवी है। अगला सीन, हर तरफ काला धुआं बिखरा था, वो कभी इधर भाग रही थी तो कभी उधर, मगर कहीं भी भागती रास्ता ना पाती। फिर अचानक आरेस नज़र आया, उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद लाल हो रही थी। जोया अक्सम चौधरी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, वो उसके करीब आकर उसका गला दबाते हुए चीखने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो हाथ पांव मार रही थी, उसका चेहरा सांस ना ले पाने के सबब सुर्ख पड़ता जा रहा था और अचानक उसकी आँख खुली। मैंने नहीं मारा, वो चीखती हुई उठी। रिलैक्स जोया, आँख खुलने पर उसे खूबसूरत सा लड़का अपने पास कुर्सी पर बैठा नजर आया। वो इस नीली शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस नौजवान को खाली जहन के साथ कुछ लम्हों तक देखती रही। वो अभी तक इस ख्वाब के सहन में थी, खौफ ने जैसे उसे जकड़ कर रखा था। उसकी खूबसूरत पेशानी पर पसीना चमक रहा था। आप कौन? वो पानी का गिलास इस अजनबी लड़के के हाथ से लेकर एक घूंट में ही पूरा पानी का गिलास गले में उतारने के बाद अब इस नौजवान की जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछने लगी। तो मुझे नहीं जानती? वो ताज्जुब और हैरत की मिली जुली कैफियत में इस्तफसार कर रहा था। नहीं, वो साफ इनकार करने लगी। जोया, मैं अदन, तुम्हारा दोस्त, हम बचपन के साथी हैं यार, कुछ साल बाहर क्या रहा, तुम तो मुझे भूल ही गई। वो खासा अफसरदगी के आलम में उसे तकते हुए बोल रहा था, सॉरी मगर तुम मुझे वाकई याद नहीं। वो अपने जहन पर बहुत जोर डाल रही थी मगर फिर भी सामने बैठे शख्स की कोई याद उसके जहन में दूर दूर तक नहीं थी। तो इसका मतलब तुम्हारी वाकई याददाश्त चली गई है,
मैंने ठीक सुना था, मोम से अदन अब खासा अफसरदगी और उदास लहजे में गोया हुआ था। उसे शिद्दत से तरस आया था इस लड़की पर। तुम्हें तो तैरना आता है जोया, फिर तुम डूबी कैसे? अदन अपने जहन में चलने वाला सवाल पूछे बगैर रह ना सका। मेरे पाँव में क्रम्प आ गया था, मैं तैर ही नहीं सकी। फिक्र मत करो, अब तुम सेव हो, बुखार है तुम्हें अभी, मुझे यकीन है ये भी जल्द उतर जाएगा। तुम आराम करो, मैं बाहर डॉक्टर को बताकर आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है, चेक कर लें। अदन के कहते ही वो खाली जहन के साथ वापस लेट गई थी। अदन के कमरे से जाते ही उसने अपना सेल उठाया जो साइड टेबल पर रखा था। उसके सेल से अनगिनत कॉल्स की गई थी आरएस को। ये देख इसका दिल बोझल हो गया, मगर एक भी कॉल दूसरी जानब से रिसीव ना हुई। शदीद अफसोस की लहर दिल में उठी। ये ख्याल ही सुहाने रूता कि इस भरी दुनिया में उसका कोई भी नहीं। वो आज मर भी जाती तो भी उसके शौहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बल्कि वो तो खुश ही होता कि जान छूट गई उससे। इसी ख्याल के साथ उसने सेल वापस रख दिया और आंखें फिर से मूंद ली। वहीं दूसरी जानब अदन रूम से बाहर निकला तो सामने ही आरिस खड़ा नजर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही की आंखों में शदीद कदूरत उभरी। हेलो मिस्टर आरिस, वो अदन था जिसने बात ने पहल की। हेलो मिस्टर अदन, दोनों ने ही खासा फॉर्मल अंदाज में एक दूसरे को मुखातिब किया। तुम यहाँ कैसे? आरिस ने संजीदगी से इस्तफसार किया। जोया को मेरी ज़रूरत थी, मुझे तो आना ही था। उसके नज़दीक जोया की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आरिस मलिक था। अदन का ताल्लुक चौधरी खानदान से था, जोया का दूर का रिश्तेदार लगता था, वो साथ साथ बचपन का साथी। क्या हुआ है जोया को? उसकी बात सुनते ही आरिस के कान खड़े हुए। वो कुछ देर पहले ही तो इस पार्टी में सही सलामत छोड़कर आया था। ओ, मैं ओवर एस्टिमेट कर गया एक बार फिर आपको। आपको तो पता भी नहीं अपनी बीवी की हालत के मुतालिक, और मैं समझा कि आप यहाँ जोया को देखने आए। वो रह ना सका था चोट किए बगैर। दुख हुआ ये देख के कि मेरी दोस्त ने किस पत्थर दिल आदमी को मुंतखब किया खुद के लिए, जो ज़रूरत के वक्त बजाय उसके साथ होने के ना जाने किन किन औरतों के साथ फिरता फिर रहे। अदन ने डायरेक्ट किरदार परवार किया। जो भी है, मैं इनसे तो फिर बेहतर हूँ जो खुद को उसका बचपन का दोस्त कहते फिरते हैं, लेकिन उसके सबसे मुश्किल के वक्त बजाय हाथ थामने के अपनी माँ के कहने पर दुम दबाकर बाहर भाग गए थे। वो आरेज मलिक था, लोगों को उनका दिया सूद समेत वापस लौटाने वाला। वो किसी का कर्ज नहीं रखता था खुद पर, चाहे वो बुरे लफ्ज़ में हो या बुरे कामों में। उसके साथ अच्छा करोगे तो गोया अपना ही भला करोगे, उसके साथ बुरा करोगे तो अल्लाह ही हाफिज़ है तुम्हारा। उसके जुमले थे या खंजर अदल को अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। जोया आज आरेज मलिक जैसे पत्थर दिल शख्स के साथ कभी ना होती अगर वो थोड़ी सी अपनी माँ के सामने बोलने की हिम्मत कर लेता। वो शर्मिंदगी की अतः गहराइयों में उतर गया था। उसने अपनी मुट्ठियाँ मजबूती से भींची। अभी वो कुछ कहता इससे कबल ही आरिस उसके बराबर से गुजरकर उसी कमरे में दाखिल हो गया जहाँ से अदन को निकलता देखा था। किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर जोया ने आँखें खोल कर देखा। सामने आरिस को पुरवकार अंदाज में अपनी ही जानब आता देख वो मुँह फेर कर दूसरी जानब देखने लगी। कैसी हो? एक दो लम्हों तक वो बस उस लड़की का वजूद तकता रहा, फिर आहिस्तगी से इस्तफसार किया। वो सफ़ेद चादर में लिपटी बेसुस सी लड़की किसी मुरझाए फूल की मानिंद लग रही थी। तुम तो चाहते ही ये हो ना कि मैं मर जाऊं? वो उसकी जानिब देख तेज़ी से दिलदले अंदाज में बोली। जोया, वो एहतजाजन व एतराजन चीखा, जिंदा बच गई हूँ मैं, तुम्हारी किस्मत लगता है इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे रही। वो मुंह बसोर कर गोया हुई तो वो खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा। उसकी गिरे आँखें बहुत इसरार थी इस लम्हे। क्या ठीक तरह बताओ कि मुझे कि क्या हुआ है? वो नहायत तहम्मुल से पूछ रहा था। अंजिला ने स्विमिंग पूल में धक्का दिया है मुझे। उसकी सुरमई आंखें सुर्ख डोरों से सजी थी, लग रहा है बस अभी रो देगी। मुझे लगा था तुम्हें तैरना आता है, वो जैसे उसकी बात पर यकीन ना कर रहा हो। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वो तेज़ी से खफा खफा लहजे में पूछने लगी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जोया। जोया को बुखार चढ़ गया था, उसे अपनी आंखें जलती महसूस हो रही थी, पाँव में क्रैम्प आ गया था मेरे, वो खासा खफगी से बता रही थी। तुम आराम करो, वो अभी मज़ीद कुछ बात करता इससे पहले ही उसका सेल रिंग हुआ। उसने स्क्रीन देखी और फौरन बाहर की जानिब चल दिया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही दोबारा दरवाजे से कोई दाखिल हुआ। उसने कदमों की आहट सुन ली। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो कह रहे हैं तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, अभी तुम्हें बुखार है जिस वजह से वो तुम्हें यहीं रखेंगे कुछ वक्त। नरमी से मुस्कुराते हुए कहकर उसके पास ही चेयर खिसकाकर आराम से बैठ गया था। तुम अकेली क्यों हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? वह पूरे कमरे में नज़र घुमाते हुए इस्तफसार कर रहा था। वो किसी काम से बाहर गए, माना वो बचपन का दोस्त था लेकिन जोया को उसकी कोई याद नहीं थी। यही सबब था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसके साथ। आप जा नहीं रहे? जोया ने लचकदार अंदाज में इस्तफसार किया, जो दरअसल इशारा था कि वो अब चला जाए। तो मैं अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं जोया? वो फौरन ही बोला। देखो अदन, हो सकता है माजी में अच्छे दोस्त हों लेकिन मुझे अब कोई बात याद नहीं हमारे मुतालिक। फिर अब मैं शादीशुदा औरत हूँ, तुम्हारा मेरे साथ इस तरह अकेले कमरे में होना ठीक नहीं है। मेरे शौहर बस आते ही होंगे, तुम्हें जाना चाहिए। जोया ने बहुत सादगी से अपनी बात समझा दी थी, जिस पर वो बगैर बुरा माने फौरन ही इस बात में सर हिलाता हुआ खड़ा हो गया था। ओके ओके, मुझे समझना चाहिए तुम्हें, मैं याद नहीं। अब तुम अनकंफर्टेबल हो रही होगी मेरे साथ, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और कोई भी मसला हो तो कॉल मी, नंबर तो है ना तुम्हारे पास मेरा? उसके सवाल पर जोया ने फौरन ही नफे में सर हिलाया। लाओ अपना सेल दिखाओ, मैं सेव कर दूँ।
सोया ने उसके कहने पर अपना सेल उसकी जानिब बढ़ा दिया, जिस पर अपना नंबर सेव करने के बाद वो अलविदा कहकर बाहर चला गया। आंखें तो पहले ही बाहर भारी हो रही थी, उसके जाते ही वो फिर सो गई। अगला सीन रात का पहर था, वो बेचैनी के आलम में सो रही थी कि उसे किसी के अपने कमरे में दाखिल होने की आवाज़ आई। उसने आँख खोल कर देखा तो सामने अंजिला को खड़ा पाया। ये वो आखिरी शख्स थी जिसे वो वहाँ तसव्वुर कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मिस्टर आरएस से मेरी शिकायत करोगी और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? तुम्हें शायद ठीक तरह सबक नहीं मिला तुम्हारा, वो खबासत से मुस्कुराते हुए कहकर उसकी जानिब आ रही थी। वो बुखार में थी, उसका जिस्म कमज़ोर था, ऐसे में अंजिला से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कोई है इस पागल औरत को निकालो मेरे, अभी वो चीख ही रही थी मदद के लिए कि अंजिला ने फ़ौरन ही आकर उसके मुँह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाई। तुम शायद भूल गई हो जोया, मेरे पीछे तहरीम है, वो मुझे बचा लेगी मिस्टर आरएस से, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाए अपना हाथ उसके चेहरे से हटाया और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बुलंद किया। वो मार पाती इससे पहले ही जोया ने हालत कमज़ोरी में भी उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पीछे की जानेब धकेल दिया, वो ज़मीन पर गिरी। जोया वाकिफ़ थी वो दोबारा उठकर हमला करने ज़रूर आएगी, इसलिए उसे डराने के लिए उसने अपने पास रखा कांच का गिलास उसके पाँव की जानेब फेंका। वो डर के मारे ज़ोर से चीखी, क्या हो रहा है यहाँ? कांच का गिलास ठुस की आवाज़ के साथ टूटा और उसके टुकड़े जगह जगह ज़मीन पर बिखर गए। अंजिला को कोई चोट नहीं आई थी, इसके बावजूद आरएस को देखते ही वो फ़ौरन ही ऐसे चीखने लगी जैसे पता नहीं कितना ज़ख्मी कर दिया। और जोया ने उसे आरएस की रोबदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। उसके साथ तहरीन को देख जोया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर आई। मिस्टर आरएस देखें, जोया मुझ पर हमला कर रही है, मैं तो सिर्फ यहाँ उससे माफ़ी मांगने आई थी जबकि मैंने कोई गलती भी नहीं की। ये स्विमिंग पूल में खुद कूदी थी ताकि आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर सके, मैंने खुद देखा था। इसके बावजूद मैं तहरीम के कहने पर इससे माफ़ी मांगने आई और देखें इसने मेरा क्या हाल किया। अंजिला फ़ौरन ही आंखों में मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू लिए तहरीम के पास उठकर आई और उसका हाथ पकड़कर आरएस की जानिब मतवजा होकर मजलूमियत का झूठा लिबादा ओढ़े तेज़ तेज़ बोलने लगी।